सो हेलो गाइस, सर स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग का मेरे वीडियो के अंदर भर भर के कमेंट ऐसा रहता है कि हमें फॉग मशीन चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी का हो और वो वाला फॉग मशीन हमारे बजट रेंज के अंदर में आ जाए। तो फाइनली गाइस सर, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ साइमन का फॉग मशीन। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में हम इस वाले मशीन का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि सर इस वाले मशीन को हमने काफ़ी टाइम से यूज़ किया, तब गाइस सर मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि मशीन कैसा काम करता है, कैसा इसका रिस्पॉन्स है, सारा कुछ आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही सर, ये जो फॉग मशीन है कितने प्राइस रेंज में आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी गई सर आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लाइट गई सर, अब हम इस वाले फॉग मशीन को यहाँ से अनबॉक्स करेंगे। तो फाइनली गई सर, इसे हमने बोला है कि काफ़ी सारा हमने यूज़ किया है। तो गई सर, ये रहा इसका पावर केबल, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पावर केबल कुछ इस तरीके का होता है। और गई सर, इसके बॉक्स के अंदर से इस टाइप का आता है इसका, जो कि ये मैनुअल होता है। और गई सर, ये जो होता है रिमोट कंट्रोल के लिए होता है। और फाइनली गई सर, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा अपना ये वाला बड़ा सा फॉग मशीन, जो कि गई सर यहाँ पर देख सकते हैं। तो गई सर, इस वाले फॉग मशीन के मैं आप लोगों को साइड पैनल से और गई सर फ्रंट पैनल से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर इसका फ्रंट पैनल देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है, जो कि गई सर ये वाला बड़ा सा नोजल का डायल होता है। साथ ही गई सर, इसके इस साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साइमन प्रो का ब्रांडिंग। साथ ही गई सर, इसका मॉडल नंबर A1500 यहाँ पर मेंशन किया गया। यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ ग्रिल जाली दिया गया था। और साथ ही गई सर, यहाँ पर इसके बैक पैनल पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर फीचर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि ए स्मोक मशीन। यहाँ पर कुछ इसका वार्निंग और गई सर इसका नोटिस दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल और गई सर यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के लिए यहाँ पर स्टीकन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गई सर इस वाले आप लोग ये वाला जो होता है रिमोट का ये वाला कंट्रोल करने के लिए, इसे आप लोग इसके अंदर ऐसे लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके लग जाएगा। और गई सर, यहाँ पर ये वाला जो होता है ये वाला केबल, जो कि मैनुअल चलाने के लिए ये जो होता है, इसे आप लोगों को इस वाले में इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। तो गई सर, अगर आप लोग मान के चलिए कि इससे काफ़ी ज़्यादा दूर पे हैं, तो फिर गई सर आप लोगों को एक इसके अंदर बड़ा सा केबल लेना होगा, तभी आप लोग इसे दूर से ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और गई सर, यहाँ पर इसका पावर है, जो कि आप लोग इस तरीके से इस वाले पावर केबल के साथ में यहाँ पर ऐसे डालकर इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। और गई सर, यहाँ पर इसका पावर ऑन ऑफ करने का स्विच हो गया, जो कि लाइट वाला स्विच होता है। जैसे ही इसे आप लोग ऑन कीजिएगा तो इसके अंदर पावर यानी यहाँ पर लाइट जलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा सा डब्बा, जो कि गई सर मेन यही होता है, जो कि गई सर इसके अंदर लिक्विड होता है। तो गई सर, ये जो है 2 लीटर का है, जो कि इसके अंदर 2 लीटर का लिक्विड डाला जाएगा, तभी जो ये फॉग मशीन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। गई सर, लिक्विड आप लोग कई तरह का अलग अलग कंपनी का भी डाल सकते हैं, जो कि 100 से 150 या 200 या 300 के बीच में आता है। तो आप लोग अपने हिसाब से लिक्विड डाल सकते हैं। बट गई सर, इसके अंदर हम 150 या 200 का यूज़ करते हैं, काफ़ी मस्त काम करता है। इसके अंदर 2 लीटर लिक्विड आएगा। तो गई सर, आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे। तो गई सर, हमने यहाँ पर इसके अंदर इतना सारा लिक्विड डाला है इसे चेक करने के लिए, जो कि आप लोगों को मैं वीडियो में इसका चेक भी कराएंगे कि ये कैसा फॉग निकलता है, कैसा इसका धुआं निकलता है, कितना दूर तक जाता है और कितना ये प्रेशर देता है। तो फाइनली गई सर, कुछ इस तरीके से ऐसे हमें इसके अंदर ढक्कन को बंद कर देना होगा। और गई सर, ऐसे ये टाइट हो जाएगा, इसके अंदर ऐसे डाल देना होता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। इसका ये पकड़ने वाला हैंडल हो जाता है। साथ ही गई सर, इसके अंदर एक स्टैंड भी आता है, जो कि स्टैंड भी है, बॉक्स के अंदर से हमने निकाल दिया था। यहाँ से स्टैंड ऐसे लगता है, ताकि आप लोग इजीली इसे कहीं पे भी फिट कर सके। तो फाइनली गई सर, ये हो गया फॉग मशीन, जो कि मैं सारा कुछ आप लोगों को इसका लुक और डिज़ाइन दिखा दिया, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गई सर, इस वाले फॉग मशीन को अब हम टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा क्वालिटी हमें देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बिना पार लाइट का भी चलाऊंगा, फिर गई सर पार लाइट जब जला देते हैं, फिर उसके साथ में आप लोगों को मैं इसका स्मोक का टेस्टिंग कराएंगे, कैसा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इसके टेस्टिंग के ऊपर। तो गई सर, आप लोग भी चाहते हैं कि डीजे से रिलेटिव इसी तरह का हम भी सामान ले, तो गई सर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ www.gvalis.com, जो कि गई सर इस वाले वेबसाइट पर आप लोगों को डीजे से रिलेटिव हर मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में, जैसे कि डीजे एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, डीजे मिक्सर, या गई सर और भी कोई आप लोग डीजे से रिलेटिव सामान लेना चाहते हैं तो इस वाले वेबसाइट पे इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कम प्राइस में आप लोग घर बैठे मंगा सकते हैं, जो कि इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कि सर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं www.gvalis.com। फाइनली गई सर, अब हम इसके अंदर पावर देंगे, तो यहाँ से इस वाले स्विच को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर इंडिकेट कर रहा है। तो गई सर, ये जो है लाइट वाला स्विच होता है,
तो यहाँ पर इसके अंदर पावर आ गया। तो कि सर इस वाले मशीन को पूरा हीट होने के लिए आप लोगों को लगभग 45 सेकंड से एक मिनट का टाइम देना होगा। और कि सर यहाँ पर हमें मैनुअल चलाना है, और कि सर रिमोट से अगर आप लोग चलाते हैं तो इस वाले को यूज़ करना होगा। बट कि सर मैं मैनुअल चलाऊँगा, तो मैनुअल चलाने के लिए इस वाले केबल को इसके अंदर ऐसे डालना होगा। और गई सर जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ये जो है फॉग निकालना चालू कर देगा। तो गई सर जैसे ही ये वाला मशीन हीट हो जाएगा तो यहाँ पर रेड जल जाएगा, तो आप लोग समझिएगा कि ये वाला मशीन अब रेडी हो चुका है यहाँ से स्मोक निकालने के लिए। तो इसी के लिए हम रिकॉर्ड चालू कर रहे हैं, बैटरी ना नसी जब हुई। हाँ जल गया। तो फाइनली गई सर यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये वाला मशीन हीट हो चुका है तो यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेट शो कर दिया, यानी अब जो ये मशीन है स्मोक निकालने के लिए रेडी है। तो गई सर यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब ये मशीन हीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को गलती से भी यहाँ पर हाथ वगैरह कुछ भी नहीं लाना होगा, क्योंकि गई सर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है। तब ये मशीन रेडी हो चुका है फॉग निकालने के लिए। तो चलिए गई सर जैसे हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे वन टाइम के लिए तो यहाँ पर ये फॉग निकालेगा। अगर हम इसको देर तक इसे प्रेस करके रखेंगे तो फॉग निकालते ही रहेगा। तो यहाँ पर हम केवल थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फॉग निकाला। एक बार और हम प्रेस करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा यह फॉग निकाल रहा है। तो गाइस सर इसका जो इफेक्ट होता है फॉग देखने में तब अच्छा लगता है जब पार लाइट जलता है, अलग अलग कलर के लाइट जलते हैं तब इसका जो फॉग होता है और भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर हम इसके अंदर ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे तो ये ज़्यादा लिक्विड का खर्च करेगा और ज़्यादा ये फॉग निकालते रखेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉग निकाल दिया है। तो चलिए गई सर अब हम इसे थोड़ा पार लाइट पर टेस्ट करते हैं। बट गई सर इसका जो नोजल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पर देखिएगा जैसे हम प्रेस करें तो वन टाइम देखिएगा इस। देखिए धुआं धुआं ही कर दिया। तो गई सर ये होता है स्मोक मशीन का कमाल, जो कि कुछ इस तरीके से ये फॉग निकालता है। तो चलिए हम थोड़ा पार लाइट जलाकर आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाते हैं कि ये जो है कैसा काम करता है। तो लाइट की सर हमने यहाँ पर पार लाइट को जला दिया है, जो कि कुछ इस तरीके के कलर दे रहा है। तो अब गई सर इसका इफेक्ट देखने में और भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो फाइनली गई सर ये जो मशीन है एक बार जब रेडी हो जाता है तो रेडी ही रहता है। आप लोग इसे जितना बार दबाइएगा जब तक से इसका लिक्विड ख़त्म नहीं होगा तब तक से वर्क करते ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि लिक्विड ख़त्म नहीं होने देना होगा, नहीं तो इसके अंदर का जो मोटर होता है ख़राब होगा। तो फाइनली गई सर यहाँ से जैसे हम प्रेस करेंगे तो लाइट गई, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये धुआं धुआं ही कर दिया। और कुछ आप लोगों को लाइट में अलग अलग कलर देखने को मिल रहा होगा, कैसा यहाँ पर ये इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और गई सर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है। वाओ गाइस देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। केवल यहाँ पर धुआं धुआं ही कर दिया हमारे गोदाम के अंदर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा इफेक्ट देता है। तो इसे आप लोग जितना बार प्रेस करके रखिएगा उतना बार ये स्मोक निकालेगा। तो गई सर वाकई में जो साइमन प्रो का जो ये वाला है काफ़ी ज़्यादा मस्त काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका फॉग हमें देखने को मिला। और गई सर इसका जो प्रेशर है लाजवाब है, बिल्कुल ही परफेक्ट ये काम कर रहा है। तो गई सर अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो गई सर इजीली आप लोग ले पाएंगे, जो कि इसका प्राइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इसका कितना प्राइस है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। बट गई सर मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता दूँ कि ये जो है आप लोगों को लगभग 5500 से 6000 के बीच में इजीली मिल जाएगा, कहीं कम बेसी ज़्यादा हो सकता है, आप लोगों के मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गई सर आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही गई सर ये फॉग मशीन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस वाले स्मोक मशीन कहीं कमाल है। और गई सर ये जो फॉग मशीन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोगों को वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।